कोरोना वायरस का केंद्र बनता जा रहा नूह और पलवल जिला। आपको बता दें कि हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला नूह मेवात और उसकी सीमा से सटा हुआ पलवल जिला कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है। हरियाणा के जिन जिलों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आ रहे हैं उनमें नूह जिला अव्वल नंबर पर है, तो पलवल भी कुछ कम नहीं है। दोनों जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें अधिकतर तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं। दरअसल जिला तबलीगी जमात का जन्मदाता होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी हरियाणा के इसी जिले में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर मेवात जिला विकास के एतवार से सबसे पिछड़े जिलों की सूची में है। विकास में पिछड़ेपन की वजह से कम कोरोना के केंद्र की वजह से अब यह जिला दुनिया भर में सुर्खियों में है। इसके अलावा अगर बात पलवल जिले की करें तो पलवल जिले के हथीन खंड में मुस्लिम आबादी 50% के करीब है। दिल्ली के नज़दीक इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान शायद ही दूसरे प्रदेश के किसी जिले में आबाद हों, इसलिए तबलीगी जमातों का नूह व पलवल जिला हमेशा से केंद्र रहा है। इन दोनों जिलों से खासकर नूह जिले से रोजाना सैकड़ों लोग तबलीगी जमात में आते जाते रहते हैं। आप लोगों को खुद पता है सारे के सारे जो भी केस पॉजिटिव आए हैं हमारे ये जमात के हैं। निजामुद्दीन से मुझे दौरा किया हुआ है और 1 मार्च के बाद जो भी आया हमारे प्रदेश हमारे जिले में उनका सभी का हमने टेस्ट किया, चाहे वो सिम्प्टोमेटिक है चाहे वो असिम्प्टोमेटिक है। और इसी आधार पर किया गया कि जमात के जो निजामुद्दीन के लोग थे तमिलनाडु में देखें या पूरे भारत में देखें उनमें काफ़ी केस पॉजिटिव पाए गए, उसी आधार पर हमने भी किया है। तो हमारे यहाँ पर भी 30 केस पॉजिटिव आ चुके और हमें और भी उम्मीद है कि पॉजिटिव आ जाए। सर तबलीगी जमात इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग छुपे हो सकते हैं, लेकिन लोग बाग खुद अपने आप सामने आने लगे। वो नहीं आते हैं तो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, नागरिक हैं, वो हमें फ़ोन करके बताते हैं। और एक और पुलिस भी इसमें काम कर रही है कि CDR के हिसाब से जो लिस्ट हमें भेजते हैं उनको ट्रेस कर लेते हैं, तो लोग बाग सामने भी आ रहे हैं और हम भी ट्रेस कर रहे हैं। तबलीगी जमात अपने पीरियड के दौरान अलग अलग मस्जिदों में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार करती है। वह मुसलमानों में जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो जमात जिस जगह पर थी वहीं पर रुकी रह गई। अधिकतर जमात मार्च के महीने में नूह पलवल जिले में मरकज निजामुद्दीन से आई थी, उसी दौरान कोरोना देश में फैला था। यही कारण है कि जब यह तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने से लेकर गांव में गश्त करने के लिए निकले तो इनके संपर्क में बहुत ज़्यादा लोग आए। ऐसा नहीं है कि लोगों के संपर्क में यह पहली बार आए हों, जमात का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आकर प्रचार करना और बुराइयों को दूर करना। तबलीगी जमात का जो करीब 93 साल का इतिहास है उसमें तबलीगी जमात भारतवर्ष से शुरुआत करते हुए पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। बहरहाल ये तो सबको मालूम है कि कोरोना बहुत ख़तरनाक एक वबाई बीमारी है और पूरा आलम इससे जूझ रहा है। हर आदमी खौफ हरास के अंदर मुबतला है, परेशान है, डरा हुआ है। बहरहाल इस सब के बावजूद ऐसी बीमारी भी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो और इसमें मौत की ऐसी तादाद भी नहीं है कि जो और मर्ज़ों से कहीं ज़्यादा हो। बस इसके अंदर एक पहलू ये है कि ये एक से दूसरे को लग जाती है और आदमी के हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। जहाँ तक मेवात का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट नूह का और पलवल का, तो यहाँ भी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और कोई भी पेशेंट और मरीज़ ऐसा सीरियस नहीं है कि जिसके बारे में कहा जा सके कि इसके अंदर कोरोना के बहुत ज़्यादा लक्षण पाए जा रहे हैं। बहरहाल जो हैं वो काबिल तश्वीश है, पूरे मेवात को उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। यही कारण है कि नूह मेवात जिले में विदेश के तबलीगी जमात से लेकर देश के तबलीगी जमात से जुड़े सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जब संख्या सबसे ज़्यादा है
तो उनके सैंपल भी उसी हिसाब से लिए गए हैं। तो दूसरे जिलों से ज़्यादा केस निकलना इस जिले में स्वाभाविक है, इसलिए यह दोनों जिले कोरोना का केंद्र बन चुके हैं। नलहड़ मेडिकल कॉलेज को हरियाणा सरकार ने कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया है। इसी अस्पताल में पलवल तथा नुहू जिले के मरीजों का इलाज चल रहा है। मुसलमानों की ज़्यादा संख्या के साथ साथ तबलीगी जमातियों की संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ केसों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से अब हरियाणा के यह दोनों जिले कोरोना का गढ़ बनते जा रहे हैं। नुहू मेवात जिला तो हरियाणा में केसों के मामले में अब सबसे आगे निकल चुका है, इसलिए शासन प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए यह जिला पूरी तरह से रेड जोन साबित हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक कोरोना से किसी की जान जिले में नहीं गई है। वैसे नुहू तथा पलवल जिले कोरोना का केंद्र बनने की वजह से इन जिलों में रहने वाले मुसलमानों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। समाज में मुस्लिम समाज के लोगों को उस दिल्ली के नज़दीक हरियाणा का नुहू और पलवल जिला दोनों ऐसे जिले हैं जहां तबलीग जमातें इसलिए ज़्यादा आती हैं कि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, खासकर जैसे पलवल का हथीन ब्लॉक और पूरा नुहू जिला, इसलिए जमातों का आना जाना लगा रहता है। खासकर इन जमातों में विदेशी भी आते हैं, जैसे अब रिपोर्टें बता रही हैं कि विदेशियों को ही ज़्यादा हुआ है। तो ये सरकार का मैं फेलियर समझता हूँ, क्योंकि मरकज़ दिल्ली में ही, खासकर जो दिल्ली सरकार है, अगर वो तत्परता दिखाती तो हम कोरोना के केसों को रोक सकते थे। ये सरकार का फेलियर है पूरा। हिंदुस्तान में जो तबलीग का काम है वो मेवात हरियाणा से ही शुरू हुआ था 1926 में, तो तब से ही ये जो इंसानियत की बात है और अमन की बात है वही करते हैं। आज मुसलमानों को, तबलीग को बदनाम किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उनके खिलाफ, जबकि जो कोरोना की बीमारी आप विदेशों में देखोगे, चाइना से लेकर अमरीका, ईरान और स्पेन, उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही धर्म के लोगों को हुई है, विदेशियों से फैली है, विदेश चाइना से फैलकर आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो इस तरह से बदनाम करना मेवात और तबलीग को, ये सरासर गलत है। इज्जत भरी नज़र से देखने में कमी आई है जो इस महामारी से पहले इन इलाकों में देखने को मिलती थी। जमात में जाने के लिए या फिर जमात को लेकर मुस्लिम समाज के लोग अभी भी किसी प्रकार का कोई कच्ची बात कहने को तैयार नहीं है। उनका हौसला और ईमान तबलीगी जमात को लेकर उसी तरह अधिक है जिस तरह अमूमन पहले देखने को मिलता था। उलेमा भी मानते हैं कि तबलीगी जमात जांच कराने को आगे आ रही है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन किया जा रहा है। मुसलमान किसी के बहकावे में न आए, जांच के लिए खुद सामने आए। महामारी में सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। चौकन्ना होना चाहिए, हम बार बार ये अर्ज कर रहे हैं ऑडियो के जरिए से, मोबाइल के वास्ते से, कि जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, हमारे इलाके में ड्राइवर हों जो बम्बई से, कलकत्ता से, महाराष्ट्र से या विदेश से सफ़र करके आए हैं या कुंभ मार्च के बाद में, इसी तरह से दावत व तबलीग के काम करने वाली जो जमातें हैं, वो निज़ामुद्दीन मरकज़ से आई हों या बाहर से आई हों, सबको खुद आगे बढ़कर अपना तिब्बी मुआयना कराना चाहिए, जांच कराने चाहिए, क्वारंटाइन में जाना चाहिए। इससे अपनी भी हिफाजत है, परिवार वालों की हिफाजत है, पूरे इलाके की हिफाजत है और तमाम देशवासियों की हिफाजत है। जिस तरह से हमारी हुकूमत, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य अधिकारी इसके अंदर भागदौड़ कर रहे हैं, 24 घंटा वो पूरे इलाके के अंदर गांव-गांव जाकर के ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं कि उनके अंदर कहीं कोरोना पॉजिटिव के कुछ लक्षण हों। तो इसमें मैं तमाम से ये गुजारिश करूँगा, मुअद्दबाना अर्ज़ करूँगा कि हम सबको साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे टकराव और मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं ये उनकी नादानी है, उनकी ये नासमझी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह की जो अफवाहें हैं, जहनों के अंदर
इस तरह की कमज़ोर बातें हैं कि साहब अगर क्वारंटाइन टाइम में जाएंगे तो उससे यह है कि हमें इंजेक्शन दे करके कोरोना पॉजिटिव बदन में दाखिल कर दिया जाएगा। ये सब तवहुमात हैं, सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसी बातों के पीछे नहीं लगना चाहिए। और रहा तबलीगी जमात का सवाल, तो ये तो 100 साल से काम कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई जमात नहीं है जो पूरे आलम में जितने देश हैं 200 से ज़्यादा ममालिक हैं सब में ये चल फिर करके काम करती है। और इसका काम लोगों को बुराई से रोकना, समाज के अंदर जो खराबियां हैं वो बताना और उनसे रोकना, अपने मालिक का तारुफ कराना जिसने हम सबको पैदा किया है, उसके क्या हकूक हैं, वो ज़िंदगी गुजारने के जो हमें तरीक़े इरशाद फरमाए हैं कुरान करीम के अंदर और अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अहादीस मुबारका के अंदर, उन तमाम तरीक़ों को जिनमें अच्छाई ही अच्छाई है, उनसे ज़्यादा अच्छाई किसी किताब के अंदर किसी मजहब के अंदर शायद ही मिल सके और नहीं है। तमाम जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस के अंदर और हमारे पैगंबर ने अहादीस मुबारका के अंदर बयान फरमाए हैं, इतना बड़ा मजमुआ अच्छाइयों का, समाज के सुधार का, इस्लाह का, इंसानियत का, दया का, रहम का, एक दूसरे से मोहब्बत का और अच्छे बर्ताव का, हुस्न सुलूक का, सिला रहमी का किसी धर्म में किसी मजहब में नहीं मिल सकता है।